हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। सबसे पहले हम आपको लाइव अपडेट दे देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम कल लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। सुबह 10 बजे उनका संबोधन होगा। पंजाब, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। यूपी के 41 जिलों में कोरोना के 550 केस हो गए हैं। महाराष्ट्र में मंत्री जितेंद्र अव्वाड एकांतवास में चले गए, 2 सुरक्षा गार्ड पॉजिटिव आए हैं उनके। लुधियाना में डीएसपी पॉजिटिव वेंटिलेटर पर रखे गए हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों की खोज की जा रही है। 15 राज्यों के 25 जिले ऐसे हैं जहां पहले केस आए थे। बीते 14 दिन में वहां पर कोई मामला सामने नहीं आया है। 15 राज्यों के जिन 25 जिलों में 14 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, उन जिलों के बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो गोंदिया में एक भी नया मामला नहीं आया है। पंजाब में एसबीएस नगर में कोई नया मामला नहीं आया है। जम्मू कश्मीर में राजौरी बिल्कुल कोरोना फ्री है, वहां से कोई नया मामला नहीं। बिहार की बात करें तो पटना, नालंदा और मुंगेर जिला कोई केस नहीं। राजस्थान में प्रतापगढ़ कोई मामला नहीं। हरियाणा में पानीपत, सिरसा और रोहतक, यहां पर भी कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला सामने नहीं आया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पौड़ी गढ़वाल वो इलाका है जहां पर एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर में एक भी मामला सामने नहीं आया है। ये वो जिले हमने आपको दिखाए जहां पर कोरोना का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। कल प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान करने वाले हैं। इसकी नौबत के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जो सख्ती से इसका पालन नहीं कर रहे। मातृभूमि की शुरुआत ऐसी ही एक तस्वीर से जहां दिन दहाड़े लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अचानक एक अफवाह फैली और उसकी वजह से हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और नारेबाजी करने लगे। इन लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि उनकी एक गलती देश के किए कराए पर पानी फेर देगी। देश कतरा कतरा जोड़कर कोरोना वायरस के खिलाफ घेरेबंदी कर रहा है, लेकिन ऐसी एक तस्वीर कोरोना के खिलाफ तैयारियों को मिनट भर में ध्वस्त कर देती है। ऐसी एक तस्वीर सरकार और सिस्टम की तमाम कोशिशों की धज्जियां उड़ाकर रख देती है। इस भीड़ में शामिल लोग क्या नहीं जानते कि देश इस वक्त कोरोना से लड़ रहा है? क्या गुस्से में अंधी हो चुकी है भीड़ नहीं जानती कि देश में 21 दिन का लॉकडाउन है और किसी को घर की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी? ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन इलाके में फैली एक अफवाह इनके दिमाग सारे बटन बंद कर दिए। तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी में वन भूलपुरा इलाके की। ये हल्द्वानी में कोरोना का हॉटस्पॉट यानी इलाका प्रशासन ने सील कर रखा था, लेकिन सिर्फ एक अफवाह की वजह से भीड़ सड़क पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगी। ये हल्द्वानी का मुस्लिम बाहुल इलाका है। इस इलाके से बड़ी संख्या में जमाती मिले थे। प्रशासन ने 8 अप्रैल को पूरे इलाके को सील कर दिया। इलाके में अफवाह फैली कि इलाके के मौलाना को क्वारंटीन सेंटर ले जाया जा रहा है। बस इतनी सी अफवाह पर तिलमिलाई भीड़ सड़क पर जमा होकर नारेबाजी करने लगी। ये हल्द्वानी का वो इलाका है जहां कोरोना वायरस के कई मरीज मौजूद थे। लोगों को क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए, लेकिन क्वारंटीन तो बहुत दूर की बात है, ये तो बेसिक भी नहीं मान रहे। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 1 मीटर का फासला होना जरूरी है, लेकिन जरा इस भीड़ को देखिए जहां 1 मीटर के दायरे में कई लोग मौजूद। कल्पना कीजिए, इनमें से किसी एक को भी अगर संक्रमण होगा तो वो पूरे इलाके में कितनी तबाही मचा सकता है। तस्वीरें देखिए,
कैसे इस भीड़ को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद था, कैसे बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए कुछ लोगों ने हाथ से घेरेबंदी की थी, नारेबाजी कर रही भीड़ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का जमकर विरोध कर रही थी। एसएसपी सुनील नारायण मीणा ने बताया कि भीड़ को समझा बुझाकर वापस भेजा गया, अब हालात काबू में। लोगों को एक मैसेज गया कि जो मौलाना लोग हैं उनको शायद लामा चौड़ में जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ ले जाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई था नहीं। तो उसी के चलते लोग थोड़ा सा घरों से बाहर निकल आए थे। उनको बाद में जब समझाया गया और मौलाना साहब द्वारा खुद समझाया गया तो वो लोग मान गए, क्योंकि वो बहुत घनी बस्ती है और काफ़ी लोग उस बस्ती में रहते हैं, तो काफ़ी लोग घर से बाहर निकल आए थे। पुलिस के द्वारा जब समझाया गया और उनको ये चीज़ ब्रीफ की गई कि जो अफवाह है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, उसके बाद मामला शांत हो गया, सभी लोग घरों को चले गए, अभी पूरी स्थिति नियंत्रण में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रविवार हल्द्वानी के वन भूलापुरम हुई इस घटना के बाद वहां कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया है। जिस तरह से हम दुनिया में आज कोरोना का प्रभाव या दुष्प्रभाव हम जो आज देख रहे हैं, एक लंबी समस्या है, लंबे समय तक हमको बहुत सतर्कता से सजगता से रहने की जरूरत होगी। और इसलिए हमने जो वहाँ पर कल देखने में आया और जिस तरह से हजारों की भीड़ सामने आई, ये हमारी मजबूरी है कि आज हमको वहाँ पर वहाँ के हालात का जब हमने जानकारी ली तो हमको वहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। आज राजस्थान के कोटा से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर हिंदुस्तान गुस्से में है। वो तस्वीर बीमार मानसिकता का सबूत है। तस्वीर में कुछ महिलाएं पॉलिथीन में थूक भरकर घरों के भीतर फेंकती हुई नजर आ रही हैं। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो के सामने आते ही हड़कंप मच गया है, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कोटा की ये महिलाएं कौन हैं जो कोरोना भगाने की जगह उसे फैलाने का काम कर रही हैं। राजस्थान के कोटा से आई ये तस्वीरें सवाल पूछती हैं कि हमारे देश के कुछ नागरिक ही देश के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। कल 21 चरणों का लॉकडाउन पूरा हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान घरों के भीतर बैठकर कोरोना वायरस को हराने के लिए हर पल लड़ रहा है। लेकिन ये कौन महिलाएं हैं जो वायरस के खिलाफ देश को हराने के लिए काम करती दिखती है? ये कौन है जो दिन के उजाले में खुलेआम घरों के भीतर बेखौफ थूक फेंकती नजर आ रही है? जाहिर है इस रिपोर्ट को देखने वाले देश के तमाम दर्शकों को इनकी इस हरकत पर क्रोध आ रहा होगा, क्रोध आना लाजमी भी है। देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि घर के अंदर इन महिलाओं ने थूक क्यों फेंका, ये कहां से आई थी, इन्हें किसने भेजा था, इनका मकसद क्या है। सीसीटीवी में कैद हुई इस पहली तस्वीर को देखिए। तारीख है 12 अप्रैल दिन रविवार का, वक्त सुबह के 10:47:57। इस तस्वीर में आपको हरा दुपट्टा ओढ़े एक महिला घर के दरवाजे के पास खड़ी दिखाई दे रही होगी। लेकिन ध्यान से देखिए, ये दरवाजे के पास नहीं बल्कि गेट से सटी दीवार की ओट लेकर छिपी है ताकि इसे कोई देख ना पाए। पूरी गली में सन्नाटा है, सिर्फ दो गाय दिखाई देती है क्योंकि देश लॉकडाउन का पालन करते हुए घर के अंदर है। ये महिला ऊपर देखती है फिर अंदर झांकती है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। इसके बाद वो गेट के पास आती है और थूक लगी हुई पॉलिथीन का टुकड़ा गेट के अंदर फेंक देती है। इसी वक्त तस्वीर में आपको एक बच्चा पीछे दिखाई दे रहा होगा। इस बच्चे के हाथ में ठीक वैसी ही हरे रंग की पॉलिथीन है जैसी इस महिला ने घर के अंदर फेंकी। ध्यान दीजिएगा, बच्चे के हाथ में जो पॉलिथीन है वो बिल्कुल खाली दिख रही है। 30 सेकंड का वीडियो जब खत्म होता है तो घड़ी में सुबह 10:48 का वक्त हो रहा था। अब सीसीटीवी कैमरे में कैद कोटा के थूक कांड की एक और तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर में वक्त 11:11:58 हो रहा, यानी ये पहले थूक कांड के करीब 24 मिनट बाद की तस्वीर है। इस तस्वीर में सबसे पहले सलवार सूट पहने हाथ में सफेद रंग का झोला लटका एक महिला दिखाई देती है जो एक घर के गेट के पास जाती दिखती है। उसके ठीक पीछे फिर वही बच्चा हरे रंग की पॉलिथीन के साथ दिखाई देता है जो आपने पहले वीडियो में देखा था। देखिए दोनों वीडियो, वही बच्चा दिख रहा है, उसके पास वैसा ही झोला और हाथ में ठीक वैसी ही पॉलिथीन। ध्यान से देखिए, दूसरे वीडियो में बच्चा बीच सड़क पर चलता चलता सीधे घर के गेट तक जाता है फिर आगे बढ़ता है, ऐसा लगता है कि वो भी दरवाजे पर थूक रहा है। बच्चे के ठीक पीछे हरा दुपट्टा ओढ़े महिला की एंट्री होती है, ये वही महिला है
जिसे आपने पहले वीडियो में देखा था। ये महिला पहले नीचे झुककर बैठ जाती है, जब खड़ी होती है तो उसके हाथ में हरे रंग की पॉलीथीन दिखती है। ऐसा लगता है कि वो बैठकर उस पॉलीथीन में थूक भर रही थी। वो उठते हुए पहले कार पर थूकती है, फिर पॉलीथीन के दो टुकड़े करती है और आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगले ही मिनट जैसे ही वो तीसरे ठिकाने पर पहुंचती है, पॉलीथीन का टुकड़ा गिरा देती है। देश में सनसनी मचा देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा में वल्लभ बाड़ी इलाके से आई, जहां चार पांच संदिग्ध महिलाओं ने घर के अंदर थूकने की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। इलाके के लोगों को जैसे ही ये पता चला कि कुछ महिलाएं उनके घरों पर थूक रही हैं, वो फौरन घर से बाहर निकली, लेकिन तब तक वो महिलाएं भाग चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने संदिग्ध महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। इसमें अवे कमांड सेंटर की भी हमने फुटेज प्राप्त की है। इसके अलावा आसपास जो डेयरी है और कुछ दुकानें वगैरह की फुटेज हमने प्राप्त की है। उस हिसाब से हम कई बस्तियों में जाकर जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें इन महिलाओं की तलाश कर रहे हैं। कोटा में थूक कांड के बाद नगर निगम की टीम को बुलाकर पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया गया। सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर महिलाओं का सुराग तलाशने की कोशिश की गई। हमने तुरंत कंट्रोल रूम कोटा पुलिस स्टेशन को फोन किया तो पुलिस तुरंत मौके पे आई। मौके पे आकर उन्होंने मौके का जायजा लिया। जायजा लेकर उनसे मालूम किया तो बोला कि हम ठीक है, इसकी इंक्वायरी मालूम करते हैं। इसी के बीच में हम लोगों ने डाउट हुआ हमें कि तो हमने हाथों हाथ नगर निगम को फोन किया। नगर निगम ने हाथों हाथ सैनिटाइजर की मशीन दी है और मशीन भिजवा कर पूरा कॉलोनी को सैनिटाइज करवा लिया है। गेट भी हमारे गेट लगवाना भी बहुत जरूरी हो गया है, मतलब कॉलोनी में बहुत आना जाना लगा रहता है किसी न किसी का। घटना के बाद कोटा के वल्लभ बाड़ी इलाके के लोग दहशत में हैं और देश गुस्से में। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने सैनिटाइजेशन मुहिम चलाई है। अब तक आपने जेट पंप या स्प्रे पाइप के सहारे सैनिटाइजेशन करते हुए देखा होगा, लेकिन दिल्ली सरकार की ये सैनिटाइजेशन ड्राइव बहुत खास है, जिसमें जापानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हमारी सहयोगी अंजलि सिंह ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए आप। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही मशीन कोरोना वायरस से लड़ने का वो हथियार है जिसे दिल्ली सरकार ने मैदान में उतारा है। जापानी तकनीक से तैयार ये स्प्रे मशीन दिल्ली में चलाई गई सैनिटाइजेशन मुहिम का अहम हिस्सा है। दिल्ली में आज से व्यापक स्तर पर एक सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू की जा रही है और मेरे पीछे ये जो स्प्रेइंग मशीन आप देख रहे हैं, दरअसल इसको खास जापानी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, जो फिलहाल दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर इलाके में सैनिटाइजेशन का काम कर रही है, डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव कर रही है। और आपको बताएं, इस मशीन की खासियत ये है, ये जो आप आर्म्स देख रहे हैं जिनके जरिए डिसइंफेक्टेंट को छिड़काव किया जा रहा है, ये 53 फुट तक ये दोनों तरफ की जो आर्म्स हैं ये खुल जाती है। कुल लंबाई इसकी 53 फीट है। ऐसी 10 हाईटेक मशीनें पीआई इंडस्ट्रीज ने दिल्ली सरकार को मुफ्त में मुहैया कराई। इस स्प्रे मशीन की खासियत की बात करें तो एक मशीन 20,000 स्क्वायर मीटर के एरिया को सैनिटाइज कर सकती है। 20,000 स्क्वायर मीटर के इलाके को एक घंटे में सैनिटाइजेशन कर सकती है। 600 लीटर सैनिटाइजर एक बार में इस्तेमाल करती है। देखिए, ये जापानीज टेक्नोलॉजी की मशीन है, इंपोर्टेड मशीन है, जिसका प्रयोग दिल्ली सरकार अब इस सैनिटाइजेशन ड्राइव के लिए करने जा रही है। आज हम मुख्यमंत्री दिल्ली सैनिटाइजेशन ड्राइव की शुरुआत कर रहे हैं और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट कर सूचित भी किया है और उनका संकल्प भी है कि रेड एरियाज और ऑरेंज जोन, यानी कि रेड जोन और ऑरेंज जोन जो कंटेनमेंट एरिया है, हॉटस्पॉट है या जहां पर संक्रमण फैलने की आशंका है, उन इलाकों में सबसे पहले हम इस इंपोर्टेड मशीन को उतार कर पूरे तरीके से उस इलाके का सैनिटाइजेशन करेंगे। राघव चड्ढा ने एबीपी न्यूज से दिल्ली सरकार की सैनिटाइजेशन ड्राइव के प्लान की अहम जानकारियां भी साझा की। हमारी प्राथमिकता रेड और ऑरेंज जोन रहेगी इन जैपनीज मशीन्स के माध्यम से। इसके बाद हम इसके साथ ही साथ 50 अन्य जेटिंग मशीन्स दिल्ली जल बोर्ड की भी आज से मैदान में उतारेंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के केस के आधार पर रेड जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है, जहां इन मशीनों का इस्तेमाल करके सैनिटाइजेशन करना है। रेड जोन वो इलाके हैं जिन्हें सरकार ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, यानी जो इलाके सील है, जबकि ऑरेंज जोन
वो इलाके होंगे जहां संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा। जिस कोटा में हम थूक कांड की कहानी दिखा रहे थे, उस कोटा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कोटा के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक कोरोना संदिग्ध महिला बार बार डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को छूने की कोशिश कर रही है। अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने ये वीडियो बनाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, महिला की हरकत से अस्पताल प्रशासन सहमा हुआ है। पुलिस को बुलाओ, ये जबरदस्ती सबको छू रही है। ये सबको छू रही है, पकड़ के इसको उधर डालो। अरे इसको बंद करवाओ, ये ऐसे करेगी नहीं तो सबको छुएगी।